Hello students and welcome back to your English classes. So today in this class we're going to discuss chapter 2 of unit 2 of a book. So this is an interesting story written by Ruskin Bond, and you are going to read a story about an encounter between two passengers on a train. So let's start. The title of the story is The Eyes Have It. Means, if we talk about eyes have it, means जो लोग आप कह सकते हैं नहीं देख सकते हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन किसी और सेंस में. Let's read the story then find out what is all about in the story. I had the train compartment to myself up to Rohana, then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents, then seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. So this scene is of platform, जहाँ पर एक train में एक passenger है, जो story बता रहा है वो passenger है, and he was saying that he was going to Rohana, and one girl got into the compartment where he was sitting, and जो उसको छोड़ने आते हैं कपल, उस girl को maybe उसके वो parent, यहाँ पर लिखा है were probably her parents, क्योंकि वो जानता नहीं है उस लड़की को, इसलिए वो कहते हैं कि हो सकता है वो उसके parents हों जो उसको समझा रहे थे कंपार्टमेंट में बिठाने से पहले कि अच्छे से जाना, सामान यहाँ रखना, वहाँ रखना, विंडो से हाथ बाहर मत निकालना एंड ऑल. So this was the first scene. They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. Now he was saying that he was blind. वो क्या था, अंधा था वो, देख नहीं पाता था. They called their goodbyes, मतलब कि जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो गर्ल के जो पेरेंट थे उन्होंने गुड बाय कहा और उसको छोड़ दिया ट्रेन में. और यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो क्या है, ब्लाइंड है और सिर्फ सेंस कर सकते हैं लाइट या डार्कनेस को. अगर उजाला है तो उसको सेंस कर सकते हैं, या फिर डार्कनेस है तो उसको सेंस कर सकते हैं कि हाँ आप अभी सुबह है या फिर रात है, वो सेंस कर सकते हैं खाली. आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक, बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप अगेंस्ट हर हील्स. और क्योंकि वो अंधे हैं तो वो देख नहीं सकते कि जो लड़की है वो किस तरीके से दिख रही है, इसलिए वो कहते हैं आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, कि वो किस तरीके की दिखती है वो नहीं बता सकते, लेकिन यस वो ये कह सकते हैं कि जो गर्ल है उसने स्लीपर पहनी, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने पैरों को आप कह सकते हैं फ्लोर पे रब कर रही है, उससे वो पता लगा पा रहे हैं कि उस जो गर्ल है उसने स्लीपर पहनी है. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. और वो क्या कहते हैं, इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स. और उस आप कह सकते हैं जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टाइम लगेगा ये जज करने में कि वो कैसी दिखती हैं, बट यस उस लड़की की जो आवाज़ है वो, उस गर्ल की जो आवाज़ है वो उसको अच्छी लगी. नाउ अब वो गर्ल से क्या पूछते हैं, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, ना देहरा यहाँ पर देहरादून की बात हो रही है. तो वो पूछता है, दैट बॉय पूछता है जो कि ब्लाइंड है, कि तुम देहरादून जा रही हो. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज देयर. नाउ आप कह सकते हैं कि जो कंपार्टमेंट है उसमें जो बॉय है, जो ब्लाइंड बॉय है, वो एक डार्क कंपार्टमेंट की साइड में बैठा हुआ है, जिससे कि वो गर्ल कहती है कि मैंने एक नोटिस नहीं किया आपको कि आप बैठे हैं, क्यों, क्योंकि जो बॉय है उसने एक क्वेश्चन किया था आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, तो जैसे ही वो आवाज़ सुनती कि कोई उससे सवाल कर रहा है तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि इस कंपार्टमेंट में कोई और भी बैठा है, इसलिए जो बॉय है वो कहते हैं शायद मैं थोड़ा डार्कनेस में बैठा हुआ था या कॉर्नर में बैठा हुआ था, इसलिए उस लड़की को मैं दिखा नहीं हूँगा कि मैं भी इस कंपार्टमेंट में हूँ. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose. अब वो क्या कहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाता है कि जो लोग देख पाते हैं वो
जो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें देख पाते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से देख पाते हैं, वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, और जो लोग नहीं देख पाते या फिर बहुत कम देख पाते हैं, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स वट एवर रजिस्टर्स टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस. मतलब कि जो नहीं देख पाते हैं वो सिर्फ जो चीज़ें सेंस कर पाते हैं वो उन्हीं को देख पाते हैं. आई डिडंट सी यू इधर आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन. तो बोलता है कि मैंने भी आपको नहीं देखा बट मैंने आपको अंदर आते हुए सुना था. नाउ वाई ही वॉज सेइंग दैट आई डिडंट सी यू इधर, क्यों वो आप कह सकते हैं, क्योंकि वो अंधा है इसलिए, वो ब्लाइंड है इसलिए वो बोल रहा है कि मैंने भी आपको आते हुए नहीं देखा क्योंकि वो देख ही नहीं सकता. बट आई हर्ड यू कम इन, बट जो बॉय है उसने क्या कहा कि मैंने आपको अंदर आते हुए सुना, देखा नहीं. आई वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड. वो सोच रहा है कि मैं, हो सकता है मैंने ये वन, मतलब दैट ही वॉज एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट ही दैट आई वॉज ब्लाइंड. दैट वो क्या कह रहे हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ इसका शायद उस गर्ल को अभी तक पता नहीं चला था. प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट आई थॉट इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ टू सहारनपुर माई आंट इज मीटिंग मी देयर. वो बोलता है कि वो बताती है कि जब उसने पूछा, क्वेश्चन पूछा, आई गोइंग ऑल द वे टू देहरा, पर वो कहती नहीं, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर. मतलब सहारनपुर जा रही है जहाँ पर उसकी, उसको आंट मिलने वाली है. देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर आई रिप्लाइड. आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स. फॉर्मिडेबल मीन्स होता है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं या उनसे डरते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं या आप कह सकते हैं उम्र में बड़े हैं या साइज़ में बड़े हैं. ऐसे लोगों कि जब हम या तो हम उनसे डरते हैं या फेयर करते हैं, तो वो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मिडेबल. तो वो बोलता है कि देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, तो मुझे फेमिलियर नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो आंट्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं. वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड. अब वो भी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं. सो ही सेड आई सॉरी टू देहरा एंड देन टू मसूरी. पहले देहरादून जाएंगे उसके बाद मसूरी. ओह हाउ लक्की यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर. Now she said that she also loved the hills and that place Mussoorie. That place she loved all because of those hills. So she was saying that she also likes Mussoorie all because of hills and especially in Octobers. Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. Ab apni memories jaan याद करते हुए बोलता है कि यस ये बहुत अच्छा टाइम है अक्टूबर का टाइम मसूरी जाने के लिए. द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलियाज. डहलिया फ्लावर है, फ्लावर होता है. एंड द सन इज़ डिलीशियस. एंड यहाँ पर डिलीशियस यूज़ हुआ है क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है उस टाइम पे. एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी. मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड. येस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम. ऑफ अपनी मेमरीज को याद करते हुए ये बताता है कि वहाँ की जो नाइट्स हैं बहुत अच्छी होती हैं, ठंडी होती है, और वहाँ पर उस टाइम पर आप जो लॉग फायर है, बॉन फायर जला के बैठ सकते हैं, और वहाँ के जो हिल्स हैं वो फूलों से भरे रहते हैं उस टाइम पर. सो वो ये एक मेमरी बता रहा था अपनी. शी वॉज साइलेंट. आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमेंटिक फूल. देन आई मेड अ मिस्टेक. Now, she was silent. वो चुप थी एंड उसको लगा कि वो चुप है तो आई थिंक या तो वो मेरी बातों से आप कह सकते हैं टच्ड हो गई या फिर वो मुझे एक रोमांटिक फूल समझ रही है. एंड देन वो एक सवाल पूछता है उससे, वॉट इज़ इट लाइक आउटसाइड. अब वो उससे क्या पूछता है कि बाहर मतलब किस तरीके का सीन है, क्योंकि वो ब्लाइंड होता है. और उससे पूछता है वॉट इज़ इट लाइक आउटसाइड, मतलब बाहर क्या दिख रहा है. She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? वो जो सवाल पूछता है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता गर्ल का, तो उसको लगता है शायद इसको पता चल गया है कि मैं क्या हूँ, ब्लाइंड हूँ. बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स. लेकिन उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो उसका डाउट खत्म कर देता है कि उसको पता चल गया कि वो अंधा है, लेकिन उसको नहीं पता चला होता. उसका क्वेश्चन क्या होता है, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो. शिया उसको कहती है, तुम खुद बाहर देख के क्यों नहीं पता लगा लेते हो कि बाहर कैसा दिख रहा है. आई मूव ईजली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज. द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट, मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप.
I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eyes, I could see telegraph post flashing by. Now, एक यहाँ पर बॉय जो है वो बताना चाह रहा है कि जैसे कि गर्ल ने कहा कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते हो बाहर. सो वो क्या करता है, बर्थ के पास जो विंडो सीट के बिल्कुल विंडो के पास आके और अपना फेस जो है वो विंडो से बाहर हल्का सा निकाल के उस जो हवा चल रही होती है उसको फील करता है, और जो साउंड होती है इंजन की उसको फील करता है, जो व्हील्स की साउंड होती है उसको फील करता है. फील इसलिए करता है क्योंकि देख नहीं सकता, इसलिए फील कर रहा है. एंड क्या कहता है, इन माय माइंड्स आई, मतलब कि आप मन की आंखों से आपको सकते हैं, आई कुड सी, मन की आंखों से वो देख सकता है कि जो टेलीग्राफ पोस्ट है वो निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ रही है तो चीज़ें पीछे छूटती हैं. ऐसे वो बता रहे हैं कि इन माय माइंड्स आई आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, मतलब कि पीछे की तरफ जा रहे हैं. Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? वो गर्ल से क्या कहते हैं कि तुमने नोटिस किया कि ऐसा लग रहा है कि हम खाली एकदम स्टिल खड़े हुए हैं और जो ट्रीज़ हैं वो मूव कर रहे हैं. That always happens, she said. Do you see any animal? तो कहती है ऐसा हमेशा होता है जब भी हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाली चीज़ क्या है, मूव कर रही है और हम स्टिल हैं, बट ऐसा होता नहीं है. एंड देन शी आस्क्ड दैट डू यू सी एनी एनिमल्स, कि तुम्हें कोई एनिमल दिख रहा है. नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, वो बोलता है कि नहीं. आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देयर. वो क्या कहती है, नहीं दैट बॉय, आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देयर और देहरादून के पास में जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत कम जानवर बचे हैं, वो जानता था. इसलिए उसने क्या कहा जवाब, नो. आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस. और विंडो से जब वो बाहर देख रहा होता उसको छोड़ के वो आप कह सकते हैं एक दूसरे के फ्रंट में बैठे हुए और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क. ना बॉय क्या कहता है कि आपका जो फेस है बहुत इंटरेस्टिंग है. ऑल दो ही कांट सी, इवन दो ही वॉज सेइंग दैट यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस. आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क. फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, शी लाफ्ड प्लेजेंटली अ क्लियर रिंगिंग लाफ. नाउ वो कहता है कि आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मतलब कि मैंने ऐसा बोल दिया एक गर्ल को एकदम सडन दैट यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस. बट येस he was we can say quite confident that few girls can resist flattery. Flattery आप कह सकते हैं चापलूसी, और किसी को रिमार्क देना जो कि आपको लगे कि पता नहीं सामने वाले को समझ में पसंद आएगा या नहीं आएगी, दैट इज़ फ्लैटरी. शी लाफ्ड प्लेजेंटली, और वो उस बात पर हंसती है. इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, ये आपने मुझे जो बात बताई है, दैट गर्ल इज सेइंग दैट इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस. आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस. तो वो बोलती है कि आपने जो कुछ मुझे बोला इंटरेस्टिंग फेस, दिस इज़ समथिंग न्यू, बिकॉज शी वॉज टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग हर दैट शी हैज़ प्रिटी फेस. सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई सोचता है ओके फाइन, दैट गर्ल इज सेइंग दैट शी हैज़ अ प्रिटी फेस. सब लोग बोलते हैं कि हाँ वो सुंदर है, तो उसको लगता है कि येस she is pretty and aloud I said, well an interesting face can also be pretty. तो अपनी लाइन में वो एक लाइन ऐड करता है बॉय कि जो इंटरेस्टिंग फेस है वो प्रिटी भी हो सकता है. यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन. गैलेंट इज मैन हु इज पोलाइट एंड अटेंटिव टू वुमेन. तो बोलती कि तुम किस एक पोलाइट यंग मैन हो. But why are you so serious? लेकिन तुम serious क्यों हो इतने? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. तो सोचता है कि मैं उस girl की बात पर हंसूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं हंसा तो ये मेरे लिए एक trouble की बात हो जाएगी. Well soon be at your station, I said. बोलता है कि आपका station, that boy is saying that आपका station आने वाला है. Now girl is saying that thank goodness it's a short journey, I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. तो बोलती है अच्छा हुआ कि ये जो जर्नी है बहुत छोटी है, क्योंकि मैं इतनी देर तक 2 or 3 hours तक ट्रेन में नहीं बैठ सकती. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it
would stay with me for the rest of the journey and for some time after. Now he was saying that जब गर्ल वो बोलती है कि अच्छा है ये जर्नी है छोटी क्योंकि मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती हूँ, तो बॉय इज सेइंग दैट कि मैं कितने टाइम तक भी बैठ सकता था, सोचता है अपने आप से, बोलता नहीं है गर्ल को, सोचता है कि मैं कितने टाइम तक भी बैठ सकता था, क्योंकि उस बॉय को उस गर्ल की आवाज़ अच्छी लग रही थी सुनने में, तो वो ये बोलता है अपने आप से कि उसकी जो वॉइस है वो माउंटेन स्ट्रीम में जो किसकी जो साउंड होती है इसकी तरह है, एक स्पार्कल की तरह है जो कि वो पूरी जर्नी तक सुन सकता है. एंड जैसे ही वो ट्रेन को छोड़ेगी, दैट गर्ल जाएगी ट्रेन से, बट इट वुड स्टे विद मी, वो तो चली जाएगी लेकिन यस जो गर्ल है वो इस इंसिडेंट को भूल भी जाएगी, बट जो बॉय है वो ये कहता है कि बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, मतलब पूरी जर्नी मुझे याद रहेगा एंड हो सकता है उसके थोड़े टाइम बाद तक भी मुझे याद रहे. द इंजन्स विसल्स शीक, द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, द गर्ल गॉट अप एंड बिगिन टू कलेक्ट हर थिंग्स. अब क्या हुआ, दैट गर्ल उसका जो डेस्टिनेशन था वो आ गया था और वो अपना चीज़ें सामान उठा रही थी बाहर जाने के लिए. आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ इट वॉज प्लेटेड, परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट. Now he wondered that girl has a bun or a pleated hair or hanging loose over her shoulders or very short hair. अब वो ये सोच रहा है कि उसके जो बाल हैं girl के, क्योंकि वो देख नहीं सकता, blind है, कि जो बाल हैं वो या तो खुले हुए हैं या pleat बंधे हुए हैं या फिर बहुत छोटे बाल हैं, तो वो अब सोच रहा है कि कैसी दिखती होगी, आप कह सकते हैं, ये सोच रहा है. द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन, आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर, दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट. और जैसे ही वो स्टेशन आ जाता है और वो निकलने वाली होती है बाहर, तो बाहर से आवाज़ आ रही थी वेंडर की और जितने भी लोग मतलब बेचते हैं सामान उनकी आ रही थी, और एक फीमेल की वॉइस आती है जहाँ पर जो दरवाज़ा होता है उस कंपार्टमेंट का वहाँ पर, और वो ये सोचता है कि हो सकता है ये आवाज़ उसकी आंट की हो जो कि उसको लेने आई होती है. नाउ ही अब वो जाने वाली है, जा रही है, तो क्या कहती है, गुड बाय, दैट गर्ल सेड, वो कहती है उसको गुड बाय. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग. आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे, ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड. वो बोलता है कि वो गुड बाय बोल रही थी और वो उसके पास से निकलती हुई जाती है और उसके जो हेयर्स हैं उसमें से जो आप कह सकते हैं परफ्यूम की खुशबू, उसके जो बालों से खुशबू आ रही थी वो एकदम परफ्यूम की तरह थी, और जैसे ही वो वहाँ से निकल के चली जाती है, वो तो चली जाती है लेकिन यस उसकी जो आप कह सकते हैं खुशबू होती है वो वहीं थोड़े टाइम के लिए रह जाती है. There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Then the door banged and the world was shut out again. और जब वो बाहर जा रही होती है तो जो ब्लाइंड मैन है उसको आवाज़ आती है किसी एक आदमी के अंदर आने के, जो कि हकलाते हुए किसी से माफ़ी मांग रहा होता है. देन द डोर बैंग, और ऑब्वियसली वो आप कह सकते हैं वो लड़की बाहर निकल रही थी और वो अंदर आ रहा होगा तो वो टकराया हो गया जो भी, उससे वो माफ़ी मांग रहा होता है. देन द डोर बैंग एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और वो लड़की बिल्कुल चली जाती है और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है उसके कंपार्टमेंट का, और जैसा वो पहले अकेले बैठा था वैसे ही बैठा रहता है. आई रिटर्न्ड टू माई बर्थ, द गार्ड बिलो हिज विसल एंड बी मूव्ड ऑफ वंस अगेन. I had a game to play and a new fellow traveler. और थोड़ी देर में उसके पास उसके कंपार्टमेंट में एक नया पैसेंजर आ जाता है और फिर से उसके लिए आप यहाँ पर लिखा है आई हैड अ गेम टू प्ले. गेम टू प्ले मतलब आप कह सकते हैं जैसा वो अकेले बाहर खिड़की से बाहर देख के जिस तरीके से वो सबको महसूस कर रहा था सारी चीज़ों को, दैट गेम, उस गेम की वो बात कर रहा था जो कि वो अपने आप ही आप कह सकते खेलता है अकेले में. द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज ग्रॉन एंड शूक. आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट स्टेयरिंग इनटू द डेलाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी. वो कहता है कि फिर से मैं खिड़की की तरफ देखने लगता हूँ और दिन का जो उजाला है उसको
देख रहा हूँ जो कि क्या है उसके लिए डार्कनेस है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, ब्लाइंड है. सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर. और जो खिड़की है उसके बाहर बहुत कुछ हो रहा था, और ऐसे जो सब वो जो गेम की बात हो रही थी कि बाहर क्या क्या दिख रहा है उसको, उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसके सामने से आ रही थी और जा रही थी. लेकिन यस, उसके लिए जो वो सोचेगा मन में उसके लिए वही होगा कि सामने चीज़ क्या है क्या नहीं है. द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवियर. रिवियर मीन्स होता है, आप कह सकते हैं, जो हम सपने देखते हैं, दिन में सपना देखते हैं. तो जैसे ही वो कंपार्टमेंट पे अंदर आता है, दैट जो भी पैसेंजर होता है नया, वो उसको आप कह सकते हैं जो दिन में वो सपना देख रहा था, वो एकदम से टूट जाता है उसका. यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट. बोलता है जो पैसेंजर आता है वो उससे बोलता है कि तुम शायद डिसअपॉइंटेड हुए होगे मुझे देख के. क्यों? क्योंकि जो अभी आपके साथ पैसेंजर थी वो उनकी तरह मैं अच्छा इतना आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल कंपेनियन नहीं हूँ जो अभी गई है गर्ल यहाँ से. शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड. वो जो ब्लाइंड बॉय होता है वो बोलता है वो एक इंटरेस्टिंग गर्ल थी. कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट. वो बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल छोटे थे या लंबे थे. आई डोंट रिमेम्बर, ही सेड. वो बोलता है मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसके बाल कैसे थे. साउंडिंग पजल, पजल मतलब कि वो क्यों ध्यान देगा कि उसके बाल छोटे थे या बड़े थे. इसलिए वो बोलता है आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया. इट वॉज हर आईज आई नोटिस, नॉट हर हेयर. तो बोलता है कि मैंने उसकी आँखें नोटिस की, बाल नोटिस नहीं किए. शी हैड ब्यूटिफुल आइज. वो बोलता है कि उसकी आँखें बहुत सुंदर थी, बट देवर ऑफ नो यूज टू हर. तो बोलता है उसकी आँखें तो थी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो उसके यूज़ काम की नहीं थी. शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड. डोंट डिड यू नोटिस. तो बोलता है कि वो बिल्कुल ब्लाइंड थी, दैट गर्ल वो ब्लाइंड थी, क्या तुमने नोटिस नहीं किया. That is it. This was the chapter that जो girl थी वो भी उसकी तरह blind थी. This was the story from your unit 2. That unit is people who are differently able. So they both were blind, that boy and that girl. So this was an interesting story. I hope you got the story. Thank you.